हाय फ्रेंड्स, ये देखिए यूनिसाउंड 40। दोस्तों ये 40 वाट का एम्पलीफायर है, लगभग ये 40 साल पुराना है, 1981-82 का एम्पलीफायर है ये। तो आइए हम इसे आज देखेंगे, रिपेयर करेंगे, इसकी वाट बढ़ाएंगे। दोस्तों 30-55 चार पीस लगे हैं पीछे, पावर ट्रांजिस्टर है। खुशी की बात यह है कि 6 वोल्ट से चलने वाला एम्पलीफायर है। दोस्तों 6 वोल्ट से चलने वाली एम्पलीफायर आज के ज़माने में कंपनियाँ नहीं बनाती, हाँ पहले बनाया करती थी, क्योंकि पहले 6 वोल्ट की बैटरियाँ होती थी। दोस्तों गेन एम्पलीफायर में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त राजीव रंजन कुमार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप पर बताएं और कॉल भी कर सकते हैं शाम को 6 बजे के बाद। तो आइए इसके इंटरनल पार्ट्स देखते हैं। दोस्तों एक भाई ने इस टाइप के एम्पलीफायर का वीडियो भेजा था, तो मेरे पास भी है, 606 है, पता नहीं उनका कौन सा है। दोस्तों ये देखिए 606 मेन एसी ट्रांसफार्मर है, 606 10 एम्पियर का। ये जो ट्रांसफार्मर अब आपको दिख रहा है, आउटपुट ट्रांसफार्मर है, तो आउटपुट तो ठीक है, हम इसका वाट भी बढ़ाएंगे और बताएंगे। ये मेन ट्रांसफार्मर को हम 12012 बनाने वाले हैं और यहाँ से 606 हटा देंगे। ये देखिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है 30-55, ये दो रेजिस्टेंस दिख रही है ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए। ये देखिए बीटी बोर्ड और माइक बोर्ड एक ही में है, दो पीस माइक है और बेस ट्रेवल और वॉल्यूम है। ये दो रेजिस्टेंस और इसके बगल में एक छोटी रेजिस्टेंस जो दिख रही थी वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर वाली थी और बायसिंग वोल्टेज के लिए थी। तो इसमें दो फ्यूज देख रहे हैं आप। दोस्तों इसमें 30-55 लगा है, इसको हटा करके हम 37-73 लगाएंगे। चार पीस अगर 37-73 हम लगा देंगे तो 120 वाट के आसपास ये लोड आराम से बजा लेगी। हाँ, लेकिन जो 606 का ट्रांसफार्मर है उसको मैं बदलूंगा और 12012 का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको यही दिखाने वाला था कि अगर आपके पास 606 ट्रांसफार्मर है तो उसको कैसे मॉडिफाई करें। थोड़ी बिट्टी बोर्ड में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, नहीं तो वो 12 वोल्ट पर जल जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।